तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने लगाई है लॉरियल की लिपस्टिक, देखते हैं कितनी देर तक लगी रहती है। तो आज जा रही हूँ मैं अपनी मम्मी के घर, क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा की 34th एनिवर्सरी है। तो आज जा रही हूँ मम्मी के घर, तो आज करेंगे सेलिब्रेट, मतलब छोटा मोटा घर का ही जो होता है। और मेरी बड़ी बहन है जो रुद्रपुर की, वो भी आ रही है। तो अभी जा रही हूँ मम्मी के घर और चलते हैं, फिर आपको बाकी रास्ते में बताते हैं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हो रही है मुझे लेट बहुत ज़्यादा। पापा का फ़ोन आ रहा है, तो अभी मैं जाती हूँ। मैं निकल चुकी हूँ अब घर से मम्मी के घर की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मम्मी लोग की 34th एनिवर्सरी है, तो अब चलेंगे घर पर। फिर मम्मी के साथ जाऊँगी, थोड़ा मार्केट सामान वामान लेना है, फिर उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे घर आके। और मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ अपना बैग, क्योंकि मम्मी ने बोला कि मतलब मेरी सासू माँ ने बोला कि कल शाम तक आ जाना, कोई नहीं, क्योंकि मेरी बड़ी बहन आ रही है। तो इसलिए तो कल शाम को आऊँगी मैं फिर घर वापस। तो अभी चलते हैं मम्मी के घर। ही हूँ मैं रास्ता। और जो मम्मी पापा का गिफ्ट है वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, हम मतलब भाई बहनों ने मिल के। तो बाकी अभी देखते हैं शाम को मम्मी लोग को पसंद आता है कि नहीं आता है, तो देखते हैं। चाचा जी आ रखे हैं देहरादून से, तो पापा जा रहे हैं उनके साथ प्लॉट देखने, उनका प्लॉट है इधर कहीं। और पापा ने तो मम्मी को दिए थे पैसे कि पूजा को दे देना करके गिफ्ट ले जाएगी मम्मी पापा के लिए, तो मम्मी देर थी तो मैंने नहीं लिए। मैं मम्मी को बोला कि मैंने ऑर्डर कर दिया है मम्मी पापा के लिए, हमने भाई बहनों ने मिल के कर रखा ऑर्डर, वो आ चुका है, तो रहने दो। मैंने कहा तो मैंने मम्मी से नहीं लिए पैसे, बस मम्मी कह रही थी पापा गुस्सा करेंगे ये होकर के, देखते हैं अब क्या बोलते हैं पापा। और अब गर्म होने लग गई है तो मच्छर भी होने लगे हैं, मच्छरों ने काटा है मुझे गाल पे, लाल लाल दाने उड़के गाल पे, माथे पे, इधर वाले गाल पे भी बहुत। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और ये रही मेरे पापा की कार, इस पे लिखा है रावत। तो अब चलते हैं अंदर। है ये पापा। पापा नमस्ते, हैप्पी एनिवर्सरी। मम्मी नमस्ते, हैप्पी एनिवर्सरी। दादी नमस्ते, आपका कुछ नहीं है। मैं और मम्मी जा रहे हैं अब थोड़ा फिरौंदारा सामान लेने के लिए, और रात की पार्टी के लिए भी। और मेरी बड़ी सिस्टर है जो अभी आ रही है रुद्रपुर से, और उसको उनका खाना भी यही है, और भाभी लोग का भी शायद वो लोग का भी दरी होगा। तो थोड़ा पनीर वनीर लाएंगे, और आज बनाएंगे हम चिल्ली पनीर, और जा रहे हैं थोड़ा सामान वामान लेने के लिए। तो चलते हैं फिरौंदारा। तो हम आ चुके हैं अब केक लेने के लिए, ये है यहाँ केक। चुके हैं घर सामान वामान लेके, और वो है ये, इसमें चिली पनीर बनाने का सामान है और केक है, जो मेरे और मेरी जो बहन है प्रेमा उसकी तरफ से है। बाकी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक है, और बाकी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर भी, और उसके दोनों चिल्लर। तो फिर दिखाएंगे आपको उसके चिल्लर दोनों। और उधर बैठी है मेरी दादी, वहीं से हाँ 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 लगी हुई है दूर से ही। और बाकी पापा गए हैं अभी दूध लेने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी परौंदारा गए थे, तो पापा जा रहे हैं अभी दूध लेने के लिए। अभी आ जाएंगे पापा भी, बाकी मेरे दोनों सिस्टर आ जाएंगे। और मैं आई हूँ तो मेरी मम्मी मुझे काम पे लगा रही है, प्याज काट दे और बना भी देना भी पनीर, और रोटी भी बना देना, और बुला रही इधर से भी उधर से भी है, खाना बनाने के लिए बुला रखा है, है? खाना बनाने के लिए बुला रखा मुझे, खाना बनाने वाली मैं। ये देखो शादी के बाद कोई इज्जत नहीं है मेरी ऐसी। दादी को लगा दिया हमने काम पे। कैसा लग रहा है आपको, आपके बुआरी की और लड़के की शादी को 34 साल हो गए, कैसी है आपकी बुआरी, अच्छी की गंदी? कंच भल की बुरी गंदी? मम्मी गंदी बोल रही है दादी आपको। मैं नहीं, बुआरी तुम्हारी। तो दादी लग चुकी है काम पे, इधर मम्मी भी लग गई है काम पे, खीर बनाएगी मम्मी, और पहले चावल बिराएगी पहले मम्मी, फिर उसके बाद बनाएगी खीर। तो मैं आ चुकी हूँ अब किचन में, जो मुझे काम दिया गया है वो करने के लिए। तेल हो रहा है अभी गरम, और इसमें डालूंगा मैं पनीर, और हो रहा है अभी। और बाकी अभी कोई नहीं आया है, दोनों बहनों में से कोई नहीं आया है, बस मैं ही हूँ, बस मेरी रेल निकाल रहे हैं, मम्मी लोग काम करा रहे हैं, वो दोनों आए नहीं अभी तक और मुझसे काम कराया जा रहा है। वो दोनों VIP की तरह आएंगे, बैठेंगे और खाएंगे, उनको आने दो, उनको उनसे भी करवाऊंगी मैं काम। मुझे किचन में लगा के यहाँ देखो, खुद आराम से बैठ के फोन चला रही है मम्मी। इन्हें आधी तो किचन में खाना कौन बनाएगा, मैं इन्हें आ जाऊंगी तो चलो आ जाओ मेरे बदले का आप बना दो। बना दिया मम्मी ने। पति लोग भी आ चुके हैं रुद्रपुर से, नीचे हैं अभी वो, और सासू जी और अम्मी जी जा रहे हैं ठेरी, क्योंकि वो सासू जी किसी और काम से आई हुई है, तो लोग वहाँ जा रहे हैं। और प्रीति और अभी और कानू नहीं रहेंगे, तो आ चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कौन आया ये जितते रहो।
मैं कानू ते दो दांत कहाँ गए? अरे ये आई है मेरी बड़ी बहन प्रीति और उसका बड़ा लड़का है कानू मोटी और वो आया छोटा सा चिल्लर अभी मोशी अभी मोशी कोई तुम गिराएगा उसको बेबी घुटनों में चलता है चल के दिखाओ चलो रखो इसको नीचे ये भाग गया खड़े होने के लिए चलो कहाँ जाना है अभी को कहाँ जाना है वो क्या है ये अरे कानू कान तेरे को मारता है अभी मारेगा ना उसको तेरे को देख अरे दो दांत कहाँ गए ये टूट गए कैसे क्या कौन ले पापा ने तोड़े कौन ले गया चूहा तो पापा उसको देख इसको देखना तेरा काम अभी सब चाहिए भाई उसको सब सीधा मुंह में काटो मुझा पहले चौतीस पूरा हो गया पैंतीस अरे फोटो तो खींचा था अरे इधर तो देखो एक मिनट मम्मा अरे जिस साथ से आपको सजा जाए इधर को देखो कानू और कोई नहीं खिलाएगा हम नहीं खिलाएंगे हम पराए हो गए हटा मम्मी लो क्रीम आ रही तो ये आए हुए ये भाभी ये मेरी बुआ वो भी मेरी भाभी बस अरे आइए मेरी बहन तो रुद्रपुर से वही तो जो 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 दूर से आए वो जल्दी आ गए जो पास के अभी तक आए ही नहीं है पहले मेरे को आने दो दादी आती रहेगी चलो 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 बैठो माँ बैठो चलो 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 अरे जल्दी करो यार तुम लोग भी मेरा ये और ये आए इतनी लेट ये पास वाले लोग हो गए इतनी लेट आए भाई हो गया ये सारे हमारे घर के चिल्लर पिल्लर मौसी मौसी इधर देखो इधर 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 देखो गिफ्ट लेने के लिए जो की है ये तो अब इसको लेके जाती हूँ मैं ऊपर और मम्मी पापा को देते हैं क्या बोलते हैं वो तो अभी लेके चलती हूँ इसको ऊपर फटाफट अरे बहुत भारी है ये है आप लोगों का गिफ्ट मैं थक गई इसको लाके मैं सांस फूल गई चलो इसको ओपन करो वॉशिंग मशीन आएगी ये हो गया ओपन झाड़ू मत लगाना इसी से सफाई करना अब ये खुल चुका है कैसा लगा आप लोगों को इसके सफाई आपकी कार के साफ करने काम भी आएगा ना कार की सफाई सब पवन बताएगा सब कुछ इसमें होगा ना वो उसमें सब देखना है इधर देख के बताओ कैसा लगा आपको आपका गिफ्ट बहुत अच्छा मजा आया बहुत अच्छा अच्छा हल्की वाली नौकरानी आई नौकरी तो तीन दिन चल जाती तुम्हारी नौकरानी काम करके कल सुबह का झाड़ू उसी से लगेगा अब पोछा पवन लगा के दिखाएगा
चुका है यहाँ पे केक कटिंग, और ये रख दिए सब प्लेटों में, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, फिर बाद में चौमिन इसके बाद। अबू कैसा हो रहा है, यम खाएगा केक, खाएगा मतलब अबू भी केक खाएगा, और केक खा रखा है, मुंह पे लगा हुआ है देख के। भाभी रख रही है चौमिन, और ये बदतमी लोग बेशरम इतनी लेट आए, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, अब घर में इनको निकालो बाहर, धक्के मारो इनको। तो ये आ चुकी है प्रेमा आप किचन में रोटी बनाने के लिए, अब ये बनाएगी रोटी, क्योंकि मैंने बना दिया चिल्ली पनीर और खीर, और प्रीति ने गूंदा है आटा, तो अब इसका काम है रोटी बनाने का। तो अब ये बनाएगी रोटी, बेलन भाई बिना बेलन के कहीं से रोटी बनाए, कहीं से बनाए। तो ये बन चुकी है पहली रोटी, पर ये बिल्कुल गोल नहीं बनी है, और ढंग से गोल बना तो कैसी गोल बना रही है ये, तो रोटी बनानी नहीं आती क्या? खानी तो है, चाहे मैट बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, पेट में जानी है ना रोटी, तो पेट में जानी है तो मतलब गोल, रोटी का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, बाकी रोटी का साइज नहीं देखा जाता, कटे टेस्ट तेरे हाथ का आएगा, वो जिसने गूंदा, जिसने गूंदा उसके हाथ का। देखो दूसरी रोटी भी ऐसी बनाई है इसने, बेकार चिमटा है, चिमटा से बनाओ। और ये आया है खाने वाला, इसने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ लाया लाया है। तो अब यहाँ खाने लग गए हैं खाना, बुआ पापा मम्मी भाभी और दादी, और खाने में बनाया है आज कहेंगे चिल्ली पनीर और खीर। बुआ कैसा बना है? बहुत बढ़िया बनी भैया है। रसमलाई जो कौन लाया, कुंदन से गुड़ वाली, और इसके साथ आई ये कुल्हड़, तो इसमें दे जाएगी ये रसमलाई। तो ये अब पार्टी खत्म हो चुकी है, सब चले गए, ये मम्मी कर रही है आराम, बाकी सब बैठे हुए हैं। क्या हो गया कानू, क्यों और कैसा, और फोन किसका पकड़ा तूने? प्री कानू ने फोन पकड़ रखा है, ये नहीं किया जरा पन्नी में कर रहा पार्टी, हमारे घर में पार्टी करने के लिए बाथरूम नहीं है, इसलिए इसको पन्नी में कर रहा। अरे पापा अपने पे मत लगाओ, उसने भी फिर हाथ देना है। दौड़ा दौड़ हो रही है उसकी, चोर अंदर जा रहा है, कहाँ जा रहा है चोर, बस थक गया, वापिस आ गया, अंधेरा हो रहा है, उधर मैं नहीं जा रहा, अब मंदिर में जाएगा, अब इधर मम्मी करेगी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। जो आए हैं ये और दो ये रहे जो भाभी और बुआ लोग लेके आए हैं, ये किसने दिया ये वाला, बड़ी भाभी ने, कब होगा देखते हैं क्या है इसके अंदर, और ये अपना अलग ही घूम रहे हैं भाई, अंदर से बाहर बाहर से अंदर। कानू यार तेरा पजामा बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे को दे दे, दे दे मेरे को यार, अच्छा लग रहा है। तो ये रे कप जो दिए बड़ी भाभी ने, अच्छे लग रहे हैं, और ये दूसरा खोल रही है प्रीति, और प्रीति का लड़का ये, और अब प्रीति रितु की मम्मी ने, ये रितु की मम्मी की तरफ से है, ये प्रीति खोल रही है, और वो बुआ का कानू खोल रहा है। तो इसमें एक ग्लास, अच्छा ये है इसके अंदर है प्लास्टिक के ग्लास, इसमें है घड़ी, मेरी घड़ी अच्छी है, और जीजा आए बड़े लेट, जीजा हंसते जब पार्टी खत्म हो गई है तब आ रहे हैं ये। तो ये प्री लेके आई है रुद्रपुर से, उसकी सासू जी ने बुने हैं, क्या क्या बुना है, क्या है ये लगा के दिखा, पापा के लिए बुनी है ये स्वेटर, पापा दिखाओ, टोपा भी है भाई ये स्वेटर, और स्वेटर के साथ टोपा, अच्छा ऐसा है ये, ऐसा बुना है मेरे लिए, और वो तो भाई उसके दूसरे अलग ही, चप्पल नहीं ये है, अच्छा लग रहा है, ऐसे नैनीताल में मिल रहे थे, 200 का मिल रहा था ये, थैंक यू। और कुछ, और कुछ नहीं, ये सही लग रहा पापा, पापा पेट बाहर आ गया आपका, मैचिंग पहना ऊपर रहा है, नीचे ब्लू ब्लू, और अभी को आ रही है अभी नींद। और कानू तू क्या कर रहा है, बोलो, फुटबॉल खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा है, इतनी रात को कौन सा फुटबॉल खेल रहा है भाई। और ये भाई इसका तो अलग ही चल रहा है, इसको चैन नहीं है, ये इसको देख के इतना खुश हो रहा है,
तो ये हम लेटे हैं, मैं अभी और कानू, और इसको देखो जरा कैसे फोन पे नजर है भाई इसकी, तो अभी से ये हाल है इसके, फोन पे देख रहा है। और जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी लॉरियल की वो मिट चुकी है, ज्यादा देर नहीं टिकी ये लिपस्टिक, आप देख सकते हैं। हम लेटे हुए और इसकी शैतानी शुरू हो गई है अभी की फिर से। ओए अभी ओदे 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 ओ मार दिया अभिनव अभिनव मोशी। तो हम आए हैं अब सोने के लिए क्योंकि हो चुका है सोने का टाइम, 11 बज चुके हैं और जीजा सो चुके हैं, प्रीति बैठी हुई है और अभी भी ऐसी लगा इधर बेड पे घूमने पे, और कानू येरा साथ में, तो मैं सोऊंगी इन सबके साथ। और अब सोते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट गाइस। और कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल, और कमेंट करके बताइए कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय और गुड नाइट।